हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीत क्रिएशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेकलाइन के डिजाइन्स की, किस तरीके से हम नेकलाइन के डिजाइन कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो डैट मेरा कोई भी नया वीडियो स्टिचिंग आर्ट से रिलेटेड आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, नेकलाइन डिजाइन कट करने के लिए लेते हैं हम एक प्लेन पेपर A4 साइज का। इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे मेजर कर लेंगे कि हमने कितनी चौड़ाई रखनी है। इंची टेप से हमने इस तरीके से इसे मेजर किया, हमने 3 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा, ये हमारा 6.5 इंच का तैयार होता है। इसको हम इस तरीके से अटैच करते हुए लाइन लगा लेंगे। हर गले के लिए हमने इस तरीके से बॉक्स तैयार करना जरूरी है ताकि जो हमारा गले का कोई भी डिजाइन है आसानी से तैयार हो सके। हम बनाएंगे डायमंड गला। डायमंड गला बहुत ट्रेंड में रहता है, हर कोई बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हर तरह का बंदा इस गले को पहनना पसंद करता है। तो इसके लिए हम पहले निशान लगाएंगे यहां तक, उसके बाद हम इसका इस तरीके से यहां पे निशान लगा लेंगे, ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से निशान लग गया। उसके बाद हम इसकी अब कटिंग करेंगे। ये गला कट करके इसको प्रॉपर शेप दे देंगे ताकि हम इसे उस पर बना सकें सूट पर। यूं कट करते हुए ये इसकी शेप रेडी हो जाती है। ये देखिए, ये है हमारा डायमंड गला। तो इस तरीके से हमारा ये नेकलाइन डायमंड रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि डायमंड गला किस तरीके से बनाते हैं, इसे पान गला भी कहा जाता है। और मैंने आपको ये जो गला है नेकलाइन का डिजाइन रफ पेपर पर कट करना सिखाया है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए वो इस पर कट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल दैट टाइम डू प्रैक्टिस एंड लर्न स्टिचिंग।